इशिता भल्ला अय्यर उर्फ दिव्यांका त्रिपाठी, लापता होने की जगह दिल्ली जयू का है, मुंबई के साकिना काका एसजे स्टूडियो। रंग गोरा और मेकअप के बाद तो और भी गोरा। उम्र पे टीवी सीरियल के अभिनेत्रियों की कोई उम्र नहीं होती। कद 5 फुट 5 इंच और हील्स पहनने के बाद 5 फुट 6 इंच। पहचान बेहद तीखे नैन नक्श जो मेकअप से तराशे गए हैं। कपड़े जब लापता हुई थी तो गुलाबी साड़ी थी, बाकी सीरियल में कपड़े कभी भी बदल सकते हैं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इशिता हो गई है लापता। जिसको भी उनकी खबर मिले संपर्क करिए सास बहू और बेटिया से। देखो देखो रूही दीदी, ये गुंडे क्या कर रहे हैं? अरे हाँ पीहू, और इनके पास ये बोरे में क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये तो हमारी इशिमा है, और देखो ये गुंडे हमारी इशिमा को किडनैप करके ले जा रहे हैं। रूही दीदी जल्दी कुछ करो। जी हाँ सास बहू और बेटिया, आज जब पहुंचा स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें के सर पर, तो वहाँ चल रहा था इशिता की किडनैपिंग का ड्रामा। जरा देखिए कैसे ये गुंडे इस बोरे में डालकर इशिता को ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पहुँच जाती हैं इशिता की दोनों बेटियाँ पीहू और रूही। पर वो अपनी इशिमा को बचा पाती, इससे पहले ही किडनैपर्स इशिता को लेकर हो गए उड़नछू। तो कहिए रूही, क्या लगता है आपको किसने कराया आपकी मम्मी को किडनैप? ये शगुन ने करवाया है किडनैप, बट सबको ऑब्वियसली शक है कि निधि ने कराया है। लेकिन मैं तो कोई और ही वर्ल्ड में जी रही हूँ, मुझे तो लग रहा है खुद ही गायब हुई है वो। लगता है रूही अब तक इशिमा के प्यार को समझ ही नहीं पाई, और तभी तो इशिता के लिए उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उनका यही गुस्सा तब भी दिखा जब इशिता के गायब होने के बाद शगुन और रमन रूही को लेकर जज साहिबा से मिलने पहुँचे। हम लोग तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, हम शादी करने वाले थे, सारी तैयारी हो चुकी है घर में। रियली? तो कहाँ इशिता, बताओ कहाँ चली गई? उसकी उतनी परवाह मुझे भी है, मुझे लगता है कि इस तकलीफ में भाग गई है इशिता, इसीलिए नहीं आती है वो। आपने सुना नहीं क्या जज मैम ने क्या कहा सर? उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है या कोई मुसीबत में पड़ जाता है तो मेरा जजमेंट पोस्टपोन हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ यहाँ रुक जाऊंगी। इस वजह से इशिता ने ये पूरा प्लान रचाया होगा जिसमें वो गायब हो गई होगी। आदत से मजबूर, इसी माँ पे तो इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं। अभी तो फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मुझे लग रहा है कि इशिमा जो है उन्होंने जानबूझ के गायब हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं और थोड़े दिन रुक जाऊँ और जो जजमेंट है वो पोस्टपोन हो जाए, इसलिए वो जानबूझ के गायब हुई है ऐसा मुझे लगता है। इशिमा पर भड़क ही रही थी कि तभी नन्ही पीहू का फोन आता है और वो रूही को इशिता के किडनैप की खबर देती है, जिसके बाद पहले रूही और फिर रमन वहाँ पहुँचता है। चुप! ये क्या करेगा वो यहाँ सुनसान जगह पे आने का किला? और तू पीहू को साथ ले? पापा एक बात हमारी बात तो सुन लो, रूही दीदी सुना मुझे बस, रूही दीदी ने इशिता आंटी के लिए किया है। फैमिली ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी रूही को वहाँ से मिलती है इशिता की अंगूठी, जो इस बात को पक्का कर देती है कि इशिता सचमुच किडनैप हो गई है। तो चलिए भल्ला फैमिली, हल्ला गुल्ला छोड़िए और लग जाइए इशिता को ढूंढने के मिशन पर। वैसे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इशिता मिलेंगी तो तभी जब वो अपनी रियल लाइफ शादी की छुट्टियों से वापस लौटेंगी। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।